क्या किया अम्मी? ये क्यों मुस्कुरा रहे थे सोते में? नहीं छोड़ूंगी। पहले तो मुझे ये बता, तू मुस्कुरा क्यों रही थी? ख्वाब देख रहा था मैं। ऐसा क्या था ख्वाब में जो इतनी हंसी आ रही थी? अम्मी, मैंने ख्वाब में देखा है खूबसूरत सा शहजादा घोड़े पे सवार आया है और मुझे अपने साथ ले जाने का कह रहा है। हाय अल्लाह, तू कहीं चली तो नहीं गई ना उसके साथ? हाँ ना, चली गई थी, तभी तो इतनी खुश नजर आ रही थी। लेकिन आपने मुझे नींद से जगा दिया। ना ना ना, ऐसे थोड़ी होता है बेटा। ख्वाब में अगर कोई साथ चलने के लिए कहता है ना, तो उसके साथ थोड़ी जाया जाता है। ये तो मुझे याद ही नहीं रहा। ऐसे कैसे याद नहीं रहा? दोपहर का 1 बज रहा है और मौसूफ को सो के उठना ही याद नहीं। अम्मी सोने देना, मैंने उठ के करना क्या है वैसे भी। जवान लड़कियों को इस तरह इतनी देर तक सोना नहीं चाहिए। उठो, घर का कोई काम करो, बल्कि अपनी अलमारी ठीक करो। अम्मी मैं बाद में कर लूंगी। उठो, चलो मेरे साथ चल के खाना खाओ। मैं अपने हाथों से तुम्हारे लिए इतने लजीज खाने बनाती हूँ, तुम हो कि पड़े सो रहे हो। आ जाता हूँ, मगर ये पानी फेंकने की जरूरत नहीं थी आपको। इसके बगैर तुम उठने वाले नहीं थे। पता नहीं कौन से ख्वाबों की दुनिया में सैर सपाटे कर रहे थे तुम। आ जाओ जल्दी। आ रहा हूँ, बिस्तर भी नहला दिया आपने तो। ये गुड़िया मेरी अलमारी में क्या कर रही है? अम्मी, अम्मी ये गुड़िया मेरी अलमारी में किसने रखी है? अम्मी क्या है, रेडियो क्यों बंद किया? इतनी अच्छी गजल चल रही थी। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। रेडियो बंद करने की क्या जरूरत थी? इतनी अच्छी गजल चल रही थी। क्या बात है, बोलो। ये क्या है? गुड़िया है। अरे वो तो मुझे भी पता है। तो फिर मुझसे क्यों पूछ रही हो? ये मेरी अलमारी में क्या कर रही थी? तो इसी से पूछ, मुझसे क्या पूछ रही है? ये गुड़िया तेरी अलमारी से निकली? वही तो बता रही हूँ। मुझे दे, मैं सब समझ गई हूँ कि क्या चक्कर है। क्या चक्कर है? यही कि नजमा भाभी ने फिर से तुझ पे सफली करवाई है। लामी खुदा का वास्ता, अब फिर से शुरू मत हो जाए। अरे तुम बच्ची हो, तुम्हें नहीं पता नजमा भाभी जादू टोने कराती हैं, और उन्होंने इस गुड़िया पे जादू टोना करा के तेरी अलमारी में रख दी। अम्मी वो मुमानी का फोन आ रहा है। आए हाय, अब क्यों आ रहा है? कल ही तो होके गई है। मैं आपको बता रही हूँ, अगर आज इन्होंने आने का कहा ना, मैं तो साफ मना कर दूंगी। इतने शैतान बच्चे हैं, घर का हशर खराब करके चले गए थे कल। मुझे दो फोन, मैं भी उनसे कह दूंगी हम लोग घर पे ही नहीं है। वाकई बहुत जंगली बच्चे हैं। हेलो, हाँ क्या? हाँ ठीक है, यहाँ से किसी का गुजरना हुआ तो ले लेना, हमारे पास ही रखी है। अच्छा, क्या कह रही थी? वो ये गुड़िया है ना, वो उनकी छोटी बेटी ने तेरी अलमारी में रख दी। देखा आपने? और आप खामखा ताई अम्मी पर जादू टोने के इल्जाम लगाना शुरू हो गए। मोबाइल दे मेरा। खामखा नहीं, वो जादू टोने करती है और पूरे जहां को पता है। खामखा। अरे क्या गाय बकरी की तरह खीरे खा रहे हो, ये खाओ ना। असर, तुम्हें याद है शफीक भाई और उनकी बेगम की जब मैंने हज की दावत की थी, क्या तुम बावले हुए जा रहे थे मेरे हाथ का खाना खा खा के वो लोग। और शफीक भाई ने तो अपनी बेगम से कह दिया था कि नजमा से कुकिंग क्लासेस ले लो। याद है कैसे जल गई थी वो?
याद है। तुम सही से क्यों नहीं खा रहे? निकालो ना, इतनी बेजारी क्यों दिखा रहे हो? इतनी मेहनत से बनाया मैंने तुम्हारे लिए कोरमा। अम्मी ये रोज रोज गोश्त ना पकाया करें, कभी सब्जी और दाल भी पका लिया करें। क्या आपको पता है मुझे दाल और सब्जी ज्यादा पसंद है गोश्त के मुकाबले में। लो भाई, ये दुनिया से अनोखे हैं। सारी दुनिया मेरे हाथ के पक्के खानों की दीवानी है और ये बुराइयां निकाल रहे हैं उसमें से। नहीं नहीं, मैं बुराई थोड़ी कह रहा हूँ। मेरे बनाए हुए खाने तुम्हें पसंद नहीं आ रहे और कह रहे हो मैं बुराई नहीं कर रहा। मम्मी आप गुस्सा क्यों कर रही हैं? मुझे गुस्सा आ जाता है जब मेरे खानों के मुताबिक कोई भी उल्टी सुलटी बात करे या उनकी इंसल्ट करे, तौहीन करे, मुझे बर्दाश्त नहीं होता, जानते हो तुम। हाँ लेकिन 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 कुछ नहीं, तुम्हें खाना है तो खाओ नहीं तो भाड़ में जाओ। जितना भी कर लो कोई कदर ही नहीं है। खा तो रहा हूँ, आ रहा हूँ। असद की कॉल। हाँ बोलो असद। हेलो शबनम, कैसी हो? मैं तो बहुत ही खूबसूरत हूँ। वो तो है, वाकई बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू शबनम। मुझे ना तुमसे कहना था, मैं ना तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हाय अल्लाह, तुम सच कह रहे हो? नहीं मजाक कर। क्या? जाहिर है सच कह रहा हूँ, तेरी कोई पूछने वाली बात है? नहीं वो तो मुझे पता है, मैं तो बस ऐसे ही कंफर्म कर रही थी। शबनम आखिर हम कब तक इस तरह फोन पर बातें करते रहेंगे? हाँ जब तक हमारे फोन में बैलेंस है। अरे मैं ये पूछ रहा हूँ कि कब तक हम एक ही घर में ऊपर नीचे रहते हुए फोन पर बातें करते रहेंगे? यार हमारी शादी का क्या होगा? अच्छा अच्छा तुम ये पूछ रहे हो। भाई देखो, जब तक हमारी माँ की सुलह नहीं हो जाती ना, हमारी शादी होना नामुमकिन है। यार मेरी अम्मा तो हमेशा जवाबी कार्रवाई करती हैं, लेकिन शुरुआत हमेशा तुम्हारी अम्मा करती हैं। खबरदार खबरदार, अगर तुमने सारा इल्जाम मेरी अम्मी पर डाला, ताली दोनों हाथों से बजती है। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, लेकिन फड्डा हमेशा एक ही तरफ से शुरू होता है और वो तुम्हारी तरफ से। भाई देखो, अगर तुमने मसला हल करना है ना, तो ये इल्जाम तराशियां करना छोड़ दो, वरना जबान मेरे मुंह में भी है। हाँ वैसे ना तुम ठीक कह रही हो, हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। ये तुम्हें सोचना चाहिए। अरे जहन्नुम में जाएंगे जादू टोना कराने वाले। अरे बड़ी आई मुझे जहन्नुम से डराने वाली, बड़ी दर्द दे रही है लेडी मुल्ला। शबनम क्या तुम भी इस वक्त वही आवाजें सुन रही हो जो मैं सुन रहा हूँ? हाँ तो जाहिर है, एक ही घर में बैठे हैं, आवाजें तो आ ही रही हैं। यार हमारी अम्माएं फिर लड़ी हैं। चलो चल के इनको रोकते हैं। हाँ मैं आती। मुझे क्या जरूरत है कि मैं किसी पर जादू टोने कराने लगूं? हाँ वो लोग भी जहन्नुम में जाएंगे जो दूसरों पर झूठी तोहमत लगाते हैं, और तुम्हें कौन से सुख आपके पर लगे हैं जो मैं जादू कराऊं? नजमा भाभी, ये जो आपको खाना पकाने का गुरूर है ना, ये ही आपको लेके डूबेगा। अरे क्यों ना हो, हमें अच्छा खाना पकाने पर गुरूर, दिल्ली वाले हैं हम, हमारे जैसा खाना किसी का बाप भी बना नहीं सकता। अरे बस कर दें अपने मुंह मियां मिट्ठू। ये जो आजकल पैकेटों के मसाले आ रहे हैं ना, सारे खाने उसी से अच्छे बनते हैं। अरे यही तो तुम जैसी जाहिल औरतों की बुराई है, पैकेट के मसाले घोल के खुद को बड़ा मास्टर शेफ समझने लगती हैं। नजमा भाभी बात सुने, ये मुझे जाहिल वाहिल कहने की जरूरत नहीं है, वरना मैं। वरना क्या, क्या कर लोगी, खुदकुशी कर लोगी तुम? अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके मुंह लगने का। अरे मुझे भी कोई शौक नहीं है, हटो जाओ यहाँ से, मुझे अपना दिन खराब नहीं करना। अम्मी अंदर चलें। अरे मैं क्यों जाऊँ, मैं डरती हूँ इससे, मैं इसको छोड़ूंगी? अरे डरती तो मैं भी आपसे नहीं हूँ, वो तो शुक्र करें जरा मुझे रिश्तों का लिहाज है। अम्मी अंदर चले ना प्लीज, अंदर चले। हाँ सारी बातें करके मैडम को अब रिश्तों का लिहाज बीच में आ गया। क्या पेट्रा निकलो यहाँ से। अम्मी चले अंदर। ऊपर आ गई ना तो छोड़ूंगी ना, तो छोड़ूंगी नहीं। अरे जा कहाँ रही हो? अरे रुको ना, अरे मैं अरे छोड़ जाएगी, गिर जाएंगी आप। अरे चले चली गई वो। अम्मी चले अंदर। अम्मी प्लीज छोड़े ना गुस्सा। अरे क्या समझते हैं अपने आप को? अच्छा आप क्या कर रही हैं? पता है रोज मोहल्ले वाले सुनते हैं हमारे घर में हर रोज कोई नया तमाशा लग रहा होता है। हाँ तो मैं कोई डरती हूँ मोहल्ले वालों से? मैंने कोई इनका उधार देना है? अम्मी बात उधार की नहीं है, अच्छा नहीं लगता, आप लोग देवरानी जेठानी हैं, हमारी रिश्तेदारी है आपस में। अरे मैं लानत भेजती हूँ ऐसी रिश्तेदारी पर। बुरी बात है अम्मी, ऐसा नहीं बोलते। अरे उन्हें यही घमंड है ना कि वो खाना अच्छा पकाती हैं। अरे क्यों फखर ना करूं,
मेरे हाथ के खाने पूरी ससुराल में मशहूर थे, दिल्ली वाली जो हूँ मेरे हाथ में इतना जायका है, इसीलिए तुम्हारी चिट्ठी जलती है मुझसे। अगर इतनी सुघड़ होती ना तो उन्हीं के मियाँ उन्हीं का खाना खा के ना मर जाते। क्या ताया अबू ताई अम्मी के हाथ का खाना खा के मरे थे? बस यही एक बात है उसके पास, तुम्हारे अबू मेरे हाथ का खाना खाकर मरे थे। किसी बात की चटनी पीसती रहती है हर वक्त। क्या अबा वाकई आपके हाथ का खाना खा के मर गए? वो तो बाजार से कुछ गलत सलत खाकर आए थे, फूड पॉइजन हो गया था उन्हें, मेरे खाने बदनाम हो गए। अम्मी देखिए छोड़े ना पुरानी बातों को, हम एक ही घर में रहते हैं, प्लीज आप ताई अम्मी से दोस्ती कर लें। दोस्ती? ताकि जो बची कुची जड़े हैं वो भी काट दें हमारी। हाय देखो तो जरा, मुझ पर इल्जाम लगवा रही है कि मैंने उस पर जादू टोना करवाया। मैंने? हाँ बिल्कुल करवाया है, इसीलिए तो तुम्हारी शादी नहीं हो रही है। अरे देखो तुम्हारी सारी दोस्तों की शादियाँ हो गई हैं। लेकिन अम्मी मेरी शादी रुकवा कर उन्हें क्या फायदा? हसद जलन और क्या। अगर वो हसद कर रही है तो कोई बात नहीं, हमें अच्छे अखलाक से पेश आना चाहिए। क्यों, हमें पागल कुत्ते ने काटा है? और बात सुनो मुन्ने, कि तुम किस खुशी में मुझे अखलाकियात के राग पाठ पढ़ा रहे हो? मैं तो बस आपको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आप। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और दूसरी बात, मुझे तुम्हारी नसीहतों की कोई जरूरत नहीं, समझ गई ना? तो कोई बात ही नहीं समझती। यार मैंने अम्मी को समझाने की बहुत कोशिश की, मगर मजाले जो ने मेरी कोई बात समझ आई हो। हाँ मैंने भी अम्मी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा मुझसे ही नाराज हो गई। अब क्या होगा शबनम? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा। अगर ये सब कुछ चलता रहा तुम्हारी शादी कैसे होगी? अब कौन सी शादी, कैसी शादी? क्या हो गया शबनम, कैसी बातें कर रही हो? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा जाहिल आदमी, इस वक्त तुम किससे बातें कर रही हो? अम्मी कोई रॉन्ग नंबर है, कह रहा है कि मुझसे शादी करो, अपनी पिक्चर व्हाट्सएप करो, फिर देखकर डिलीट कर दूंगा। बेहया बेगैरत बेशरम, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हारे घर में माँ बहने नहीं है? हाँ माँ तो है बहने नहीं है। इसीलिए तुम दूसरों की माँ बहनों को फोन करके फ्लैट कर रहे हो? अम्मी फ्लैट नहीं होता, फ्लर्ट होता है। चुप करो मेरी बात सुनो, तुमने अगर आईना यहाँ फोन किया ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़वा दूंगी और तुम्हारा सर मुड़वा के ना फुटपाथ पे बिठाऊंगी और भीख मांगवाऊंगी तुमसे, समझे तुम? थैंक यू मम्मी, वरना ये मुझे ना बहुत तंग करता। बात सुनो, अगर आप इसका फोन आए ना तो नंबर मुझे दे देना। लेकिन आप उसके नंबर का क्या करेंगी? मैं मोहल्ले में किसी बच्चे को 10-20 रुपए दूंगी और इसका नंबर दीवार पे लिखवा दूंगी और साथ में लड़की का नाम और नीचे लिखा होगा कॉल मी। तो जितने मोहल्ले के आवारा लड़के हैं ना इसको फोन कर करके इसका जीना हराम कर देंगे। गुड आइडिया, लेकिन इसकी नौबत नहीं आएगी। अब तू सो जा, हाँ मैं भी सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। शुक्र है चची ने मेरी आवाज नहीं पहचानी, वरना बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाता। कौन? तुम्हारी माँ। आया मी। आइए आइए अम्मी आइए। ये आवाज कैसी थी? दरवाजा खुलने की आवाज थी। मैं दरवाजा खुलने की आवाज से पहले की आवाजों की बात कर रही हूँ। कैसी आवाज है अम्मी? किसी के बोलने की आवाजें। मेरे कमरे से? जी। टीवी की आवाजें आ रही होंगी। टीवी? हाँ। तुम्हारे कमरे में तो टीवी है ही नहीं। अब वो मेरे कमरे का नहीं, पड़ोसियों का। ज्यादा मुझे चकमा देने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? किसी से फोन पे बात कर रहे थे ना? हाँ, फोन पे तो बात कर रहा था मैं। किससे? आपने नहीं सुना? नहीं, मुझे सिर्फ तुम्हारी आवाज आ रही थी। क्या बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, ये समझ नहीं आ रहा था।
वही तो अम्मी, मैं अपने दोस्त से बात कर रहा था। इतनी रात को? हाँ ना, वो अमेरिका में रहता है। अमेरिका में जब दिन होता है तो यहाँ रात होती है, जब रात होती है तो दिन होता है, तो उसने अपने दिन में कॉल की थी मुझे। पक्की बात है कि दोस्त ही था? अरे अम्मी, और कौन होगा? वैसे ज्यादातर लड़के आधी रात को लड़कियों से बात करते हैं। मुझे तो कोई लड़की मुंह ही नहीं लगाती, मुझसे भला इस वक्त कौन बात करेगी। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह करे तुम्हें कोई लड़की कभी मुंह ना लगाए और मैं अपनी पसंद की बहू लेकर आऊं। आप मुझे दुआ दे रही हैं या बददुआ दे रही हैं? अम्मी ऐसा तो मत करें। क्यों, तुम्हें मेरी पसंद पर भरोसा नहीं है? भरोसा तो है, लेकिन 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 कुछ नहीं। खाने तो तुम्हें मेरे हाथ के पसंद आते नहीं, बहू तो मैं अपनी पसंद की ही लाऊंगी, देख लेना तुम। शबनम, ओ शबनम। जी अम्मी। अच्छा सुन, वो उस मनुज का दोबारा फोन तो नहीं आया? किस मनुज का? वही जो रात में तुझे बार बार फोन कर रहा था। वो नहीं नहीं वैसे उसकी आवाज मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही थी। अब अम्मी, फोन पे आवाज तो सबकी एक जैसी ही लगती है। नहीं, लेकिन उसकी आवाज मुझे ऐसा लगता है जैसे कहीं सुनी है। चाची, मोटर तो चला दे, पानी नहीं आ रहा। अरे चला रहे हैं, इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? चिल्ला कहाँ रहा हूँ, प्यार से तो बोल रहा हूँ। सुन लिया है, चला रहे हैं। आप क्या यहीं लटके रहोगे? दफा हो जाओ अंदर। जी। जा मोटर चला। हाँ। अच्छा सुन, वो जरा शाम तक तैयार हो जाना। हाँ क्यों, कहीं जाना है क्या? जाना नहीं है, वो रिश्ते वाली खातून आ रही हैं। खातून? कौन सी खातून, कैसी खातून? क्या मतलब कैसी खातून, जैसी सारी खातून होती हैं वो भी वैसी ही होंगी ना, सर पे कोई सीन थोड़ी होंगे। नहीं मेरा मतलब है ये अचानक से कौन सी खातून आ गई। भाई वो पड़ोस में नसरीनी रहती है, उसने बताया है कि इन खातून का एक लौता बेटा है और खूब सारा कमाता है। अब खड़ी क्या हो, जाओ मोटर चलाओ ना। हाँ। क्या चाची, तुम्हारा रिश्ता करी है? आहिस्ता बोलो, नीचे आवाज चलेगी ना तो एक नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। इतनी मुश्किल से बहाना करके कपड़े डालने आई हूँ। मेरी बात सुन लो, तो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं बता रहा हूँ, खुदकुशी कर लूंगा मैं। अच्छा तो फिर रोज आ जाए करना तुम मेरे ससुराल। क्या बकवास कर रही हो यार तुम? तो और क्या करूं, एक तरफ अम्मी और ताई अम्मी की लड़ाई और दूसरी तरफ अम्मी मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। मुझे नहीं पता, कुछ भी करके मना कर दो, कह दो तुम्हें शादी नहीं करनी। हाँ, ताकि अम्मी मुझे घर से निकाल दें। तो क्या करोगी, तुम किसी और से शादी कर लोगी? जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, मुझे तो कोई हल नजर नहीं आ रहा। लेकिन मेरे पास एक आइडिया है, बिंदास। हाँ अपना आइडिया ना अपने पास ही रखो, फजूल का ही आइडिया दोगे मुझे पता है। मतलब तुम सुनने से पहले मेरे आइडिया को फजूल कैसे कह सकती हो? क्योंकि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम काम की तो कोई बात कर ही नहीं सकते। ये गलत बात है। अब अम्मी की आवाज आ गई, मैं तो चाह रही हूँ उससे पहले कि अम्मी आ जाए। अच्छा बात सुनो, बात सुनो, मेरा आइडिया सुनती हुई जाओ पहले। अच्छा जल्दी बोलो, बोलो जल्दी जल्दी। अरे मेरा मकसद है आइडिया जल्दी बोलो। अच्छा अच्छा वो आइडिया। अच्छा सुनो, गुड आइडिया, मैं ऐसा ही करती हूँ, ठीक है ना? हाँ। बात सुनो, बेस्ट ऑफ लक। किस बात की खुशी है? हाँ, अम्मी आप। क्यों, मुझे देखकर बौला क्यों गए? वो अम्मी मैं छोटा सा बच्चा, मेरा छोटा सा दिल है जोर जोर से धड़कने लगता है, आप बता तो देती हैं आप आ रही हैं, मेरा तो दिल ही डरा दिया आपने। क्यों, मैं ड्रैकोला हूँ, बता कर आना था क्या मुझे? मैंने सोचा जाकर देखो तो इतनी देर हो गई, छत पे कर क्या रहा है, देखा तो यहाँ खड़ा मुस्कुरा रहा है। हाँ अम्मी वो ना मैं मौसम का हाल देखने के लिए आया था। ओ अच्छा 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 अच्छा, फिर क्या देखा? वो मैंने खबरों में देखा था कि आज ना बारिश होने के इम्कान है, तो मुझे तो नहीं लगता कि बारिश होने वाली है, आपको क्या लगता है बारिश होगी? मुझे लगता है गरज चमक के साथ बिजली गिरेगी, वो भी तुम पर। चलो निकलो।
अम्मी अम्मी मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं, मेरा मेरा सर घूम जा रहा है। और खाओ देसी घी के पराठे और अंडे, मुझे तो लग रहा है कि तेरा ब्लड प्रेशर तेज हो गया है। अम्मी आप कैसी माँ हैं? यहाँ मेरी तबीयत खराब हो रही है और आप सुबह नाश्ते को लेकर तबसरे कर रही हैं। हाय तो और क्या करूँ, कितना समझाती हूँ ना तुझे, इतना सोया और इतना खाया मत कर, लेकिन ये दोनों काम ना तू रच के करती है। अब अच्छा आप नसीहत ना बाद में दे दीजिएगा, अभी मुझे अंदर लेकर चलें। अंदर कहाँ? अम्मी मेरे कमरे में, और कहाँ। हाँ तो खड़ी हो जा। अम्मी मेरा चक्कर। अरे अरे देख के, तू ना अपनी माँ को सिर्फ तंग करने के लिए है, अगर माँ की बात सुने ना तो कभी बीमार ना हो। अच्छा बातें सुना दी ना, अभी मेरी बहुत तबीयत खराब हो रही है, अंदर चले ना। चलो अरे मुझे कुछ तो बता, तुझे हुआ क्या है? मैं मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। लेकिन मुझे समझ में आ गया है। क्या समझ गई? यही कि नजमा भाभी ने तुझ पे जादू किया है, जरूर तेरे नाम का कोई तावीज जलाया उन्होंने। अम्मी आप फिर से वही बातें कर रही हैं? अरे फिर वही क्या, अभी तो तू बिल्कुल ठीक थी, जैसी तूने ऊपर का चक्कर लगाया है तू देख चक्कर आके बिल्कुल गिर गई है। अम्मी आप गर्मी भी तो देखना कितनी है, हो सकता है गर्मी की वजह से चक्कर आ गए हो। अच्छा अभी अभी तबीयत कैसी है तेरी? अम्मी अभी भी हालत खराब है, मुझे लगता है एक दो दिन लग जाएंगे ठीक होने में। अरे मैं हूं ना, देख वो कोने में जो होम्योपैथी का डॉक्टर नहीं बैठता, वहां से जाके तेरे लिए अभी दवा लेकर आती हूँ, बिल्कुल ठीक हो जाएगी तू। अम्मी रहने देना, मैं अभी आराम करूंगी ना तो ठीक हो जाऊंगी। अरे मैं बस अभी दवा लेकर आती हूँ, तू दवा खाते ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देख वो शाम में रिश्ते वाली है ना, उन्होंने भी आना है, मैं बस यूं गई और यूं आई। हाँ ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम चाची। चल हट रास्ते से, ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं, समझे? चाची गई घर से, इसका मतलब है शबनम घर पर अकेली होगी। अरे तुम यहाँ क्यों आ गए? अरे तुम बेफिक्र हो, चाची गई। पता है मुझे, तुम्हारे कहने पे मैंने चकराने का बहाना किया और अब अम्मी दवा लेने गई है। तो क्या वो खा लेना दवाई? अरे जब मुझे चक्कर ही नहीं आ रहे तो मैं दवा क्यों खा लूं? यार क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी होम्योपैथिक की छोटी छोटी मीठी मीठी गोलियां होती हैं, खा लेना। तुम ना अपनी बकवास बंद करो, एक तो तुम्हारी वजह से मैं दवा भी खा रही हूँ और मसला भी वही का वही है। क्या मतलब? मतलब ये, अम्मी मुझे दवा खिला के ना शाम में वो रिश्ते वाली आंटी के सामने जरूर बिठाएंगी। क्या? जी हाँ। शबनम हाय अल्लाह, देखो मैं पैसे लेने तो भूल ही गई। अच्छा आप पैसे लेने आई थी? तो और क्या। अच्छा ये बताओ तबीयत में जरा बेहतरी आई? हाँ हमें बेहतरी है। हाय शुक्र है। वैसे तुम ठीक ही कह रही थी, ये सब कुछ ना गर्मी की वजह से हुआ, मैं तुम्हें मना करती थी ना दोपहर में छत पे मत जाया करो। नहीं नहीं अम्मी आप फौरन दवा लेने जाएं। क्यों? पहले तो तुम मुझे मना कर रही थी। हाँ वो आप कह रही थी ना रिश्ते वाली आंटी आएंगी, ऐसा ना हो मेरी फिर से तबीयत खराब हो जाए। हाँ ये भी, फिर मैं दवा ले ही आती हूँ। शुक्र है मेरी जान बच गई, अगर चाची देख ली ना आज तो मेरी। इसलिए मैं तुम्हें कह रही थी कि यहाँ नहीं आओ। लेकिन वो शाम को जो तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहे हैं उनका क्या करोगी? कुछ सोचती हूँ।
तुम्हें मेरी कसम है, इनकार कर देना। हाँ मैं कर दूंगी, लेकिन तुम अभी जाओ। पक्का? हाँ कर दोगी ना? हाँ तुम जाओ। जाओ मैं खुद कुछ कर लूंगा। अरे तुम जाओ यार, जल्दी से जाओ, जल्दी से। देखो अगर तुमने हाँ बोला ना तो मैं खुद कुछ कर लूंगा। अरे बहुत अच्छा किया तुमने, मुझे क्या पड़ी है। अरे तुम ये समझो परवीन, तुमने किसी से कुछ कहा ही नहीं। अच्छा अच्छा चलो बाद में बात करते हैं। बराबर वाली नसरीन का फोन था। अच्छा अच्छा क्या? अच्छा अच्छा तुम्हें पता है आज शबनम को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। हाँ मुझे पता है। कैसे पता? अब मेरा मतलब है, मुझे कैसे पता होगा? ये भी कोई पूछने वाली बात है? मेरा क्या लेना देना है इन सब चीजों से? कोई लेना देना नहीं। बोला क्यों रही है फिर? हाँ सच सच बता। अम्मी आपने जिस तरीके से पूछा ना मुझसे कि तुम्हें पता है, तो मेरे मुझसे स्लिप ऑफ टंग हो गया। मैंने भी कह दिया मुझे पता है, वैसे मुझे नहीं पता है। हाँ ऐसा ना हो स्लिप ऑफ हैंड हो जाए मेरा। पता है वो कह रही थी कि उसी ने रिश्ता करवाया। और क्या कह रही थी? और कुछ नहीं, बस पूछ रही थी लड़की कैसी है, उसके कवायफ वगैरह। तो अम्मी आपको भी चाहिए था ना कि दिल भर के शबनम की बुराइयां कर देती। हाँ भाई मुझे क्या पड़ी है कि मैं उसकी बुराइयां कर देती? अम्मी आप बिना सदा की भोली हैं। देखिए मेरी बात समझो, चच्ची का आपसे हर वक्त झगड़ा रहता है। हाँ आप भी मौके पे चौका मारती और रिश्ता रुकवा देती। मैं रफ्तार की तरह ये गिरी हुई हरकतें नहीं कर सकती भाई, मुझमें तो इंसानियत बाकी है खुदा का शुक्र। एक बात बता दूं मैं आपको, अगर वो आपकी जगह होती ना तो यकीनन आपका काम रुकवा देती। आपको भी चाहिए था उनका काम रुकवा दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह भाई, इस तरह की शैतानी स्कीमें तो रफ्फत के दिमाग में ही आ सकती हैं। अल्लाह बचाए मुझे, मुझसे तो भाई किसी चूंटी के लिए बुरा नहीं होता, तो मैं किसी लड़की के लिए बुरा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो खुदा खौफ है, अल्लाह माफ करे भाई। वैसे चच्ची से लड़ती रहेंगी लेकिन जो काम करना है वो नहीं करेंगी। अय अल्लाह लगता है तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब है, ये तो सोई चली जा रही है। शबनम शबनम बेटा उठो ना। जी हाँ। तबीयत कैसी है अभी? ठीक नहीं है। हैं? वो होम्योपैथी की दवा खाई तब भी ठीक नहीं हुई तू? नहीं अम्मी। देख मैं तुझे मना करती थी ना कि ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल ना कर, इसमें खतरनाक शुआएं होती है, तेरी तबीयत ना इसी वजह से खराब हुई है। अम्मी इन बातों को छोड़ें, आप मुझे ये बताएं आपने उन खातून को मना कर दिया? कौन खातून? वो जो रिश्ता लेकर आ रही है। क्यों मना करूं? अम्मी आप मेरी तबीयत नहीं देख रहे। अरे तबीयत का क्या है, आज नहीं तो कल ठीक हो ही जाएगी, लेकिन मेरी बच्ची अच्छे रिश्ते फिर दोबारा नहीं मिलते। अम्मी आपको मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। अरे ख्याल है, इसीलिए तो भागकर दवा लेने गई थी। लेकिन अम्मी आपकी लाई हुई दवा से तो मैं ठीक ही नहीं हुई, इसलिए आप उन्हें मना कर दो। चुप चुप चुप, अरे उन्हीं का फोन आ रहा है। हेलो जी बहन क्या हाल है आपके? हैं? आप दरवाजे पर हैं? जी जी बस मैं अभी आई। जी जी आया है, वो तो दरवाजे पे खड़ी है, मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ। मैं बता रही हूँ मैं उनके सामने तैयार होकर नहीं आऊँ। कैसे नहीं आएगी? देख मेरी बच्ची समझने की कोशिश कर, अच्छे रिश्ते रोज नहीं मिलते। मुझे नहीं पता आपको मेरी तबीयत का जरा भी ख्याल नहीं है। बेटा कुछ नहीं होता तबीयत को, तू बस जल्दी से खड़ी हो जा, हाथ मुंह धो के अच्छे से तैयार होके बाहर आ जा, मैं जब तक उनको वहां बिठाती हूँ। क्या फायदा हुआ इतने नाटक करने का? कुछ भी करके मुझे अम्मी से बात करनी होगी, उन्हें समझाना होगा, कुछ भी करना होगा, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या हो गया, ऐसी तहस क्यों मचा रखी है? अम्मी मुझे ना आपसे एक जरूरी बात पूछनी है। पूछ लेना, लेकिन पहले मुझे बाजार से हरी मिर्च, हरा धनिया और लेमू ला दो, ऐसी लजीज निहारी बनाऊंगी तुम्हारी सात पुश्तों में से किसी ने नहीं खाई होगी। हाँ हाँ मैं ले आता हूँ लीमू हरी मिर्च आपको जो भी चाहिए, लेकिन पहले मेरी बात तो सुन ले। बोलो। अम्मी अगर आपको मैं बताऊं कि आपके साहबजादे ने एक लड़की पसंद कर ली है तो आप क्या करेंगे? पहली फुर्सत में कोई ढंग की लड़की देखकर तुम्हारी उससे शादी करवा दूंगी। क्यों आप उससे मेरी शादी क्यों नहीं करवाएंगे जिसको मैंने पसंद किया है? भाई मुझे तुम्हारी पसंद पर जरा भी भरोसा नहीं,
क्यों 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 आपको मेरी पसंद क्यों नहीं पसंद? अरे जिस लड़के को खाने में सब्जियां पसंद हो वो लड़की क्या खाक पसंद करेगा? लो बताओ, दुनिया जहान के बच्चों को गोश्त पसंद होता है और ये सब्जियों के पीछे मारा बिठारा घूमता है। वाह वाह वाह, मतलब सब्जी पसंद करने में और लड़की पसंद करने में कोई फर्क ही नहीं है? बाबरची खाने की रूह से कोई फर्क नहीं है, समझे तुम? ले आओगे कोई सब्जी जैसी लड़की, मटर जैसी आंखें, बैंगन जैसा चेहरा और लौकी जैसी जिसामत। लौकी मतलब वो गोल वाली लौकी? नहीं, लंबूतरी वाली। जाओ जाकर लेमू लेकर आओ। अच्छा लाता हूँ, लेमू छोटे वाले लाओ बड़े वाले? कोई से भी ले आओ, वैसे भी तुम्हारा दिमाग तो सुन चल रहा है ना। हरी मिर्चे भी पता नहीं मलिर वाली चाहिए होंगी आपको। पागल हो गया क्या ये? अरे अभी तक तुम तैयार ही नहीं हुई। हाँ, मेरा मूड नहीं हो रहा। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताऊं, जरूरत बिल्कुल भी नहीं है मेरी बच्ची पे। तुम इतनी प्यारी हो, क्या जरूरत है मेकअप करने की? अम्मी इतना टाइम नहीं है। अम्मी जल्दी से दुपट्टा पहनो और मेरे साथ चलो। चलो मूड अच्छा करो। चलो माँ, शाबाश। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। अब ये मेरी बेटी है। क्या हुआ इसको? वो थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है ना, सर में दर्द और चक्कर आ रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ी ऐसी लग रही होगी। वैसे जब बंसवर के निकलती है तो बहुत प्यारी लगती है। मुझे बनाव सिंगार वाली नहीं, सीधी सादी लड़की चाहिए अपने बेटे के लिए। हाँ तो मेरी बेटी भी बिल्कुल सादी सी ही है, वो तो मैं ऐसे ही कह रही थी। बेटा तुम ठीक तो हो? अरे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, आप क्यों परेशान हो रही हैं? आप लोग बैठे, मैं चाय लाती हूँ आपके लिए। बेटा आपका नाम क्या है? जी शबनम। बड़ा फिल्मी नाम है। थैंक यू, असल में मैं खुद भी थोड़ी फिल्मी सी हूँ। ये बात मैंने तारीफ में नहीं कही है। क्या मतलब? मेरे बेटे को फिल्मों से कोई दिलचस्पी नहीं है। अरे वो इस काम को बहुत बुरा समझता है। ओ, तो इसका मतलब है कि वो मुझे शादी के बाद घर में बंद रखेगा? बंद करके क्या मतलब? औरत का असल मकान तो घर की चार दीवारी होती है। वो तो ठीक है आंटी, लेकिन आप मुझे ये बताएं, शादी के बाद अगर मेरे बॉयफ्रेंड को मुझसे मिलना हुआ तो आप और आपके बेटे को कोई एतराज तो नहीं है? तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है? हाँ सबके होते, आपके नहीं थे क्या? कैसी बेहुदा बातें कर रही हो लड़की तुम। आपको पता है मेरी तबीयत भी इसलिए खराब हुई थी, वो मेरा पुराना वाला बॉयफ्रेंड ना, उसकी कॉल आ गई थी। क्या? हाँ पिछले साल मेरा ब्रेकअप हुआ था, उसके बाद मुझे नया बॉयफ्रेंड मिल गया और पुराना वाला वापस आ गया। आप बताएं मैं पुराने वाले के लिए नए वाले को छोड़ दूं क्या? ये तो गलत बात है ना। अस्तगफुरुल्लाह, कैसी बातें कर रही हो तुम लड़की। अब वो मैं ना जरा खुले जहन की लड़की हूँ, आपका बेटा खुले जहन का है या नहीं? लानत भेजती हूँ मैं तुम्हारे खुले जहन पर। अरे नसरीन ने तो कहा था बड़े अच्छे लोग हैं। हाँ हम तो बहुत अच्छे लोग हैं। हाँ हाँ वो तो मुझे नजर आ रहा है, अल्लाह की पनाह। अच्छा सुने ना, आप अपने बेटे से कहिएगा हम हनीमून के लिए ना सवाद जाएंगे, बहुत खूबसूरत जगह है। अरे लानत भेजती हूँ मैं इस रिश्ते पर, और तुम चली जाना अपने बॉयफ्रेंड के साथ सवाद। अच्छा ये तो बताएं, नए वाले के साथ या पुराने वाले के साथ? दोनों के साथ, बेशरम बेहया लोग। अरे अब करवा कर दिखाएं अपने बेटे के साथ शादी। अरे बहन कहाँ जा रही हो? अपने घर जा रही हूँ। अब लेकिन अभी तो आई हो, हमारी तो बात भी नहीं हुई। अब बात करने के लिए रह क्या गया है? चाय तो पियो, मेरी बेटी कैसी लगी? अपनी बेटी और अपनी चाय अपने पास रखो, उसे चक्कर नहीं आ रहे थे? अरे उसके तो चक्कर चल रहे हैं, एक से नहीं कई सारों से। हाँ हाय अल्लाह, ये क्या कह के चली गई। अरे जल्दी आजा लड़के, कहाँ रह गया, मेहमान अकेले बैठे हुए हैं। अम्मी ये ले आपके लीमू, धनिया, हरी मिर्चें। शाबाश। ये बाहर जो लोग बैठे हैं वो कौन है? वो शफीक भाई और उनकी बेगम। हमारे घर में क्या कर रहे हैं? अरे रिश्ते के लिए बुलाया मैंने, उनकी लड़की को पसंद किया तुम्हारे लिए, बहुत पढ़ी लिखी है, ग्रीन कार्ड होल्डर भी है। क्या ऐसा बोल?
अम्मी मुझे शादी नहीं करनी। शादी नहीं करनी या माँ की पसंद से नहीं करनी? नहीं ऐसी भी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अम्मी वो ना ज्यादा बातें नहीं, चाप उनके सामने जाना और अच्छा सा इंप्रेशन जमाना, समझे? मेरा तो दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। हाँ अम्मी मैं तो खुद हैरान हो गई थी, पता नहीं उन्हें अचानक क्या हुआ था, अजीब अजीब बातें करती हुई निकल गई। मुझे तो ये क्या कह गई है कि तुम्हारी बेटी के चक्कर चल रहे हैं, तुम्हें क्या क्या कह गई है? हाँ मुझे भी ये कह रही थी तुम्हारे चक्कर चल रहे हैं। मैंने कहा तमीज से बात करें, हम कोई आपके साथ रिश्ते के लिए मरे नहीं जा रहे। बस एकदम आग बगोला हुई और मुझे कहने लगी तुम बहुत बदतमीज लड़की हो। लेकिन एक अच्छी खासी औरत ये इस तरह की पागलों वाली बातें कैसे कर सकती है? हाँ मैं तो खुद हैरान थी। मुझे समझ आ गया है। क्या? यही कि नजमा भाभी ने जादू किया है। अम्मी खुदा का वास्ता है, अब इस बात में तो ताई अम्मी को बीच में मत लाएं। वो औरत खुद ठीक नहीं थी और अब मैं उसके बेटे से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। अल्लाह मैं आपको क्या बताऊं, मैंने अपने लाल की कैसी परवरिश की है, लाखों में एक है मेरा असद। कोई बुराई नहीं है इसमें, न शराब न जुआ न पान न छालिया न गुटका, किसी एक बुराई में नहीं है मेरा बच्चा माशाल्लाह। और हमेशा घर के मेरे हाथ के पक्के हुए साफ सुथरे लजीज खाने खाता है, और वैसे भी मेरे हाथों में तो अल्लाह ने दिया ही ऐसा जायका है, जो एक दफा मेरे हाथों के खाने खा ले बस उंगलियां चबा जाता है। ये तो बहुत अच्छी बात है बहन। भाई मेरा ताल्लुक दिल्ली से है ना, और आपको तो पता है दिल्ली वालों के खाने आहा। जी हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, दिल्ली वालों के खाने तो वाकई बहुत मशहूर हैं। अरे भाई साहब मैंने आज निहारी बनाई है, अब आप लोग आ ही गए हैं तो खा कर जाइएगा। अरे बहन इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। अरे तकल्लुफ कैसा, आपका अपना घर है, बस मैं निहारी को तड़का लगाती हूँ और उसके बाद हम लोग साथ मिलकर खाना खाएंगे। तब तक मैं चाय भिजवाती हूँ, आप मेरे असद से बात करें। हाँ तो असद बेटा आपके क्या हॉबीज हैं? अब क्या बताऊं मेरी जान, मुझे मेकअप करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरी जो मम्मी है ना इनको मेरी हॉबी बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बेटा ये कैसा शौक है, मर्दों को ये काम जेब नहीं देता। मर्दों को जेब नहीं देता होगा, मुझे तो यही पसंद है। अरे क्या इससे करेंगे हम अपनी बेटी की शादी? क्यों क्या कमी है मुझमें? Tell me, why? अरे बेटा सब चीजों की तो कमी है तुम में। आंटी look at the brighter side, मैं आपकी बेटी का ना पूरे साल फ्री मेकअप करूंगा और आप होंगी मेरी मदर इन लॉ, तो आप भी पैकेज में आएंगी, आपका मेकअप भी बिल्कुल फ्री। हाँ लाहौल वाला कुछ अस्तगफिरुल्लाह। Oh my God! Look at your eyebrows. You upar niche hain. And let me tell you one thing. Aapne ye lipstick ka shade lagaya hai na? This is so old fashioned. Don't you worry, auntie. Main aapko bahut achhi achhi beauty tips dunga. Theek hai? Arey phad mein gayi tumhari beauty tips. Arey aap log khade kyun ho gaye? Please sit down. Chale ji. दफा करें इस रिश्ते को। अरे क्या हो गया बहन, कहाँ जा रही हैं आप, खड़ी क्यों हो गई? क्योंकि हम जा रहे हैं। जा रहे हैं लेकिन क्यों? क्योंकि आपके बेटे को शादी की नहीं इलाज की जरूरत है। चलो बेगम आ जाएं जी। क्यों क्या किया तुमने? अरे अम्मी कह रहे थे कि शादी के बाद लड़की को अलग से रखना, अपनी माँ को छोड़ देना। फिर तुमने क्या कहा? मैंने क्या कहना था अम्मी, मैंने कह दिया मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। बस क्या था, खड़े हुए और कहने लगे हम जा रहे हैं, मैंने भी कह दिया जाएं। अरे लानत भेजो ऐसे मनहूसों पर, शक्ल से कैसे मासूम लग रहे थे, मुझे पहले बताया होता ना तो जलील करके निकालती यहाँ से। अम्मी आप बिला वजह कह रही थी अच्छे लोग हैं। अरे असद मैं क्या करूँ, मैं हूँ ही इतनी सीधी साधी, सबकी बातों में आ जाती हूँ। मेरी बातों में तो नहीं आती। क्या तुमने वाकई ऐसा किया? तो और क्या करता, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं था।
बिना क्या चीज हो? मैं ना तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। खैर मेरी छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारे घर पे क्या हुआ? अरे बड़ी मुश्किल से वो रिश्ते वाली खातून को घर से भगाया था मैंने। तो फिर चची ने पूछा क्या बात हुई? पूछा था, मैंने कहा वो मुझ पर इल्जाम लगा रही थी, कह रही थी मेरे लड़कों के साथ चक्कर चलते हैं और मैं बहुत बदतमीज हूँ। फिर चची क्या बोली? उन्होंने क्या बोलना, उन्होंने कहा ये बात मुझे पहले बताती, जो चाय मैंने उनके लिए बनाई थी ना वो उन्हीं के ऊपर डाल देती। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, जान छुटी हमारी। वैसे ये बताओ कि टाइम क्या हो रहा है? 12 बज गए। इसका मतलब पता है तुम्हें? हाँ, इसका मतलब ये कि हम दोनों को अपने अपने कमरों में चले जाना चाहिए इससे पहले कि हमारी अम्माएं हमें ढूंढती नहीं यहाँ तक आ जाए। मैं ये नहीं पूछ रही हूँ। फिर क्या पूछ रही हो? वो 12 बजे के बाद डेट चेंज हो जाती है ना। मुझे पता है। तो फिर बताओ क्या डेट लगी है? अरे याद आया। सच? चलो शुक्र है तुम्हें याद तो आया। शबनम, आज बिजली का बिल भरने की आखिरी तारीख थी, मम्मी ने कहा था बिल भर देना और मैं भूल गया। क्या, बिजली का बिल? हाँ, मेरी तो शामत हो जाएगी अगर लेट फीस लग कर आ गई ना तो। मम्मी क्या, तो मेरी पिटाई हो जाएगी। तुम ना बहुत बेकार इंसान हो। हाँ वैसे मम्मी भी ये कहती है। तुम ना जाके बिजली का बिल जमा करवाओ, तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। शबनम, शबनम, शब्बो, मेरी प्यारी शब्बो, बात तो सुन लो, बिजली का बिल भरूं। क्या हो गया अम्मी, क्या देख देख के इतना खुश हो रही हैं आप? आए जमादार नहीं लिख दिया। बताए आज आज शबनम का हैप्पी टू यू है ना, मैंने तुम्हारी चाची की और शबनम की एक फकीरनी जैसी तस्वीर अपलोड कर दी। ऐसे गंदे गंदे कमेंट आ रहे। हाँ, आज शबनम की बर्थडे तभी वो मुझसे नाराज हो गई। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं अम्मी, मैं ये कह रहा हूँ किसी किस तरीके से फेसबुक पे तस्वीर लगा के उसका मजाक उड़वाना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना, गलत बात है। हेलो, वो फेस टू फेस हमारी बेइज्जती करते हैं, हम फेसबुक पे भी ना करें, हम तो करेंगे भाई। ये बात सुनो, ये इस वक्त तुम लॉन में क्या करने गए थे? वो मेरे कमरे का ना एसी नहीं चल रहा था तो मैं बाहर ठंडी हवा खाने के लिए गया। ये ज्यादा ही हवा खोरियां नहीं हो रही आजकल? इधर आओ, करीब आओ। ये सिगरेट तो नहीं पीने लगे? अरे अम्मी क्या बात कर रही हैं, मैं और सिगरेट? अरे मैं सिगरेट पीने वालों को सलाम भी नहीं करता। ये तो बदतमीजी है मुन्ने, सलाम तो कर लिया करो। अच्छा आप कहती है तो कर लूंगा, अस्सलाम वालेकुम सबको कर दूंगा। अच्छा चलो जाओ, मुझे कमेंट पढ़ने हैं, लाइक करूंगी जिनसे भी कमेंट किए ना। अम्मी वैसे कोई अच्छी बात नहीं है, डिलीट कर दें। हट पागल। I'm sorry. किस बात के लिए? मैं भूल गया था, मुझे याद ही ना तुम्हारा बर्थडे। बस रहने दो तुम। अच्छा ना, मुंह तो मत मोड़ो इस तरीके से। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ये तो पैसे हैं। ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये पैसे मैं अपनी जान पे खेलकर अम्मी के पर्स से चोरी करके लेकर आया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन मैं इन पैसों को क्या करूंगी? तुम नहीं करोगे, हम लोग मिलकर करेंगे। इससे हम तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, इससे तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट खरीदेंगे, फिर हम लंच पे जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और अम्मी कहीं हमें जाने की इजाजत दे ही ना दे। इतना तो तुम कर ही सकती हो ना मेरे लिए।
सोचना नहीं है, चलना है, हमें तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करना है। ठीक है। कहाँ कहाँ जा रही हो? अम्मी वो मैंने आपको बताया था ना? कब बताया था? कल ही तो बताया था। क्या बताया था? यही कि मुझे शायदा के घर जाना है। मैं किसी शायदा को नहीं जानती और तुमने मुझसे इस तरह का कोई जिक्र नहीं किया। अम्मी आप भूल गई, वो मेरी कॉलेज की फ्रेंड थी ना शायदा, उसी से मिलने जा रही हूँ। अचानक? हाँ उसकी शादी है ना। दिन में कौन करता है शादी? नहीं नहीं एक हफ्ते बाद शादी है। तो तुम्हें उसकी शादी की इतनी क्या खुशी है कि तुम एक हफ्ता पहले जा रही हो? वो अम्मी चली जाएगी ना तो इसलिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ। देख लो सबकी शादियाँ हो रही हैं सिवाय तुम्हारे। मेरी भी हो जाएगी। अच्छा खासा एक रिश्ता आया था, वो भी नजमा भाभी के जादू टोनों की वजह से चला गया। अम्मी प्लीज ऐसी बातें मत करें, मैं जा रही हूँ। ठीक है अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जल्दी आना। असद आज मैं बहुत खुश हूँ। तो मैं भी आज बहुत खुश हूँ। तुमने मेरे लिए इतना सब कुछ किया उसके लिए थैंक यू। बात ये नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, बात ये है कि मैंने अम्मी से कैसे चुरा के ये सब कुछ किया। हाँ हाँ वही, क्या तुम वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो? ये तो कुछ भी नहीं है, मैं तो तुमसे और भी बहुत सारी मोहब्बत करता हूँ। सच? वैसे कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है। मुझसे? नहीं मेरी मोहब्बत से? अरे नहीं। फिर जिन बातों से? अरे नहीं बाबा, मुझे डर लगता है कि पता नहीं हमारी शादी हो या ना हो। यार अच्छा सोचोगी तो अच्छा होगा ना। अरे सिर्फ अच्छा सोचने से कुछ नहीं होता, हमें ना कुछ सोचना होगा ताकि हमारी अम्मियों की आपस में दोस्ती हो जाए, वरना हमारी शादी होना तो नामुमकिन हो जाएगा। देखो शबनम, अब तुम तो जानती हो कि अम्मी और चाची के दिल में एक दूसरे के लिए बहुत नफरत है, इनको आमने सामने बिठाना मुमकिन ही नहीं है, इसलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उन दोनों के दिलों में ना एक दूसरे के लिए थोड़ी सी मोहब्बत पैदा हो जाए, इतनी नहीं जितनी हमारी है, थोड़ी सी भी हो जाएगी तो हो जाएगा। अच्छा मैं कुछ सोचती हूँ। आइडिया। क्या? ताई अम्मी कल खाने में क्या बना रही है? वो तो मुझे नहीं पता। तो पता करो ना। लेकिन क्यों? मेरी बात ना तुम गौर से सुनो। देखो वाह 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 अम्मी वाह, पूरे मोहल्ले तक खुशबू आ रही है। क्या पका रही हैं? मुन्ने अभी तक खाली प्याज भूनी है मैंने, तो मैं पता नहीं किस चीज की खुशबू आ रही है। अच्छा वो फिर हो सकता है चाची के घर से खाने पकाने की खुशबू आ रही हो। बड़ी आई तुम्हारी चाची, आता क्या है तुम्हारी चाची को पकाना? पूरी जिंदगी ऐसे ही आलू के चिप्स और रोटी खा के गुजारा किया है उन्होंने, फूहड़ औरत। अम्मी इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएं आज क्या पका रही हैं आप? बादामी कोरमा। और तुम्हें पता है ना हम देहली वालों का कोरमा तो पूरी दुनिया में मशहूर है। ये तो है अम्मी, लेकिन मैं सोच रहा था आज जब आप ये कोरमा बना लें तो थोड़ा सा चाची के घर क्यों ना भिजवा दें। जहर ना भिजवा दूं तुम्हारी चाची के घर में? अम्मी देखें समझने की कोशिश करें, उन्हें तो खाना बनाना आता ही है ना। हाँ ये तो है। और आप बनाती हैं देहली का मशहूर तरीन कोरमा, ये भी है। तो अम्मी थोड़ा उन्हें भी एहसास दिलाएं वो कितनी बड़ी नेमत से महरूम है। नहीं नहीं औलाद तो है उसके घर। अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं खाने वाली नेमत की बात कर रहा हूँ। ये कोई मामूली बात नहीं है, पहले जमानों में खानों पर बड़ी बड़ी जंगें हो जाया करती थी। हे मुन्ने ये कौन सा जमाना था, मैंने तो तारीख में नहीं पढ़ा। हामी था एक जमाना, मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी मैं ये कह रहा हूँ जैसी कोरमा बन जाए ना आप मुझे एक बाउल में भर के दे दीजिएगा, मैं चच्ची के घर पहुंचा दूंगा। वैसे तो मुन्ने मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, लेकिन ये तुमने जलाने सड़ाने वाली बात की है ना, इस वजह से दे दूंगी तुम्हें, दे आना है ना।
ये हुई ना बात अम्मी, बस हम जल्दी से तैयार करें। अम्मी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। अरे मुन्ने वो जमाना कौन सा था जब खाने पे जंगे होती थी। अकबर के बाद, अकबर से पहले होगा, अकबर तक की तारीख तो पढ़ी है मैंने। अम्मी ने कोरमा बना दिया और मैं ले आया हूँ, अब जल्दी से अपना ड्रामा शुरू करो। एक मिनट, अम्मी अम्मी जरा इधर आइएगा, ये ऊपर वालों का लड़का कुछ लेकर आया है। बात सुनो, ये ऊपर वाला लड़का क्या था? नाम ले सकती हो मेरा? चुप करो ना तुम, मैं ड्रामा कर रही हूँ, मुझे कैरेक्टर में रहने दो। अम्मी इधर तो आए। क्या हुआ? ये कुछ लेकर आया। मिया क्या लेकर आए हो? चची अम्मी ने ना कोरमा बनाया। लाओ। एक मिनट अम्मी, हमें क्या पता, शायद इन्होंने कुछ मिलाकर दिया। कोरमे में क्या मिलाएंगी? और कुछ मिलाएंगे तो हम खुद नहीं फंस जाएंगे, ये तो अम्मी ने दिल बड़ा करके ऐसी भेज दिया। नहीं, एक मिनट, आज तक तुम्हारी माँ को हमारा ख्याल आया है, आज कैसे भिजवा दिया? अरे चची इंसान के दिल का क्या पता है, कभी भी मुंह मच सकता है, कभी भी पिघल सकता है। अम्मी ने सोचा एक ही घर में रहते हुए हम ऊपर बैठ के बादामी कोरमा खाएं और आप लोग भूखे नहीं मतलब इससे महरूम रह जाएं। नहीं नहीं, वैसे नजमा भाभी जैसी फिरौन सिफ्त औरत को हमारा ख्याल कैसे आ गया? अरे चची जान, जाने भी दीजिए, आप ये कोरमा खाइए गर्मा गर्म और बताइए कितना मजेदार है ना? ला। ओहो अम्मी मैं नहीं बता सकता, कोरमा देख के चच्ची के जो रंग ढंग बदले ना, मत पूछें। अगर पूछूंगी नहीं तो पता कैसे चलेगा मुन्ने? अच्छा फिर पूछ लीजिए। बताओ ना। अम्मी आपको झोलियां फैला फैला कर दुआएं दे रही थी चच्ची। हैं? हाँ, और कहने लगी तमाम इख्तलाफात अपनी जगह पे, मगर नजमा भाभी से बेहतरीन खाना इस दुनिया में कोई दूसरा बना ही नहीं सकता। या अल्लाह, मेरे मालिक रब्बे पाक तेरा शुक्र है, मेरे दुश्मन भी मेरी अजमत के मुतरफ हो गए हैं, ये होती है असली कामयाबी। अरे अम्मी आप चच्ची को अपना दुश्मन क्यों समझती हैं? वो आपकी दुश्मन थोड़ी है, अब एक ही घर में रहते हुए छोटे मोटे किसी बात पर इख्तलाफात तो हो ही जाते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि दुश्मनी हो गई। अरे मुन्ने तुम मुन्ने हो अभी, तुम इन चालाक औरतों के लक्षण नहीं समझोगे। मुझे समझने भी नहीं है, मगर आज चच्ची की बातें सुन के लग रहा था कि आपके और उनके दरमियान कोई लड़ाई नहीं है। अच्छा और बताओ क्या कह रही? कहने लगी ए शबनम इधर आ, तुम भी बिल्कुल अपनी ताई अम्मी की तरह कुकिंग सीखो। वो नहीं सीख सकती भाई, है तो उसी माँ की औलाद ना फुअर, और हर वक्त पेस्ट्री बनी हुई सजी सवरी घूमती रहती है, उससे नहीं होंगे घर भर के काम। नहीं नहीं अम्मी ऐसी बात नहीं है। कैसी बात है पता तो चले। अरे अम्मी मैंने दसियों दफा देखा है आते जाते, कभी वो झाड़ू लगा रही होती है, कभी चाय बनाती है, खाना भी पका लेती है, कपड़े धोती है, इस्त्री करती है, घर के सारे काम कर लेती है वो। मुन्ने ये तुम शबनम की अम्मा किस खुशी में बन रहे हो? क्या मतलब? मतलब ये कि जिस तरह रिश्ते के वक्त लड़की की अम्माएं कहती ना हमारी लड़की को सब आता है, बहन घर के काम, अमूर खानदारी, सब कुछ, फलाना फलाना फलाना, कितनी तशरीह क्यों कर रहे हो उसके कामों की? खबरदार जो आइंदा उसकी माँ बनने की कोशिश की तो समझा। क्या दिया? अस्सलाम वालेकुम ताई अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। वो ना मैं आपको बर्तन देने आई थी, बहुत ही लजीज कोरमा बना था। पता है मुझे, मेरे हाथ के बनाए खाने होते ही ऐसे हैं, लोग उंगलियां चबा जाते हैं। आपकी? आई मेरी क्यों चबाने लगे, अपनी। ओ अच्छा अच्छा, ये बताओ तुम्हारी अम्मा ने क्या कहा कोरमा खा के? अरे ताई अम्मी क्या बताऊं मैं आपको, अम्मी तो ये कोरमा खा के पागल ही हो गई। वो तो खैर पहले से ही पागल है। नहीं मेरा मतलब है खुशी से पागल हो गई, और आपकी बहुत तारीफें कर रही थी। कौन आया भाई? भैया आई है अदाकारा शबनम, कह रही है कि चची जान मेरे खाने की तारीफें कर रही थी,
मैंने तो आपको पहले ही बताया था। ताई अम्मी, मैं तो कहती हूँ आप अम्मी से ना दोस्ती कर लें। ये लड़ाई झगड़ों में क्या रखा है। हाँ हाँ तो ठीक है, अपनी माँ से आके कहो कि आकर मुझसे माफी मांग ले, मैं तो तैयार हूँ माफ करने के लिए, हूँ ही बहुत बड़े दिल की औरत मैं। ये तो खैर किसी सूरत में मुमकिन नहीं। अरे अगर ये मुमकिन नहीं है तो मुझे क्या पड़ी है कि मैं जाकर उस औरत के मुंह लगूं और सुलह सफाई में पहल करके मैं छोटी बनूं? ताई अम्मी, सुलह सफाई में पहल करने से इंसान बड़ा बनता है। नहीं नहीं, अच्छा ज्यादा मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है, दे दिए बर्तन चलो जाओ। बर्तन धुल गया? आपके हाथ के बने कोरमे की खुशबू नहीं गई बर्तन से, है ना? क्या नजमा भाभी और मेरी तारीफें कर रही थी? तुम जलते तवे पे भी बैठ जाओगी ना, तब भी मुझे यकीन नहीं आएगा। हाँ हूँ, मुझे तो खुद अपने इन कानों पे यकीन नहीं आया कि वो आपकी तारीफ कर रही थी। पता है क्या कह रही थी? कह रही थी दिल की बड़ी अच्छी है, बस जज्बात में आके गलत फैसले कर जाती है। सुनो, वो जादू टोने की तो कोई बात नहीं की ना? हाँ की थी ना, कह रही थी हम दोनों के दरमियान कितना इख्तलाफ क्यों ना हो, लेकिन हम दोनों इतने बड़े दुश्मन नहीं है कि जादू टोने करवाएं, वो तो जाहिल औरतें करवाती हैं। फिर तुमने क्या कहा? मैंने कोई खास बात नहीं की थी, लेकिन हाँ मैंने कहा अम्मी कोरमे की बहुत तारीफ कर रही थी। मैंने कब तारीफ की? अम्मी कहने में क्या जाता है, जब उन्होंने कोरमा भेजकर बड़प्पन दिखा दिया तो क्या हम तारीफ करके बड़प्पन नहीं दिखा सकते? सही किया वैसे तो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाभी मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। बारिश की पेशन गोई भी है। ये पेशेंट गोइयां सारी बेकार होती हैं, कौन सा सच साबित हो जाती है। कह तो ठीक रही हो वैसे। भाभी वो आपने ना उस दिन कोरमा बहुत लजीज बनाया था। हमेशा की तरह। जी बिल्कुल। पूरा हो गया था तुम्हें, कम तो नहीं पड़ा? अरे भाभी यूं समझ लें कि पेट भर गया था लेकिन नीयत नहीं भरी थी। अरे मैं खाने बनाती ऐसी हूँ, लोगों की नीयत नहीं भरती। वैसे ये बात तो सच है, आप खाने बहुत अच्छे बनाती हैं, बस ये कहना चाहिए कि जादू है आपके हाथ में। तुमने फिर वही जादू के अल्फाज इस्तेमाल किए? अरे भाभी मैं तो आपकी तारीफ कर रही थी, वो सुना नहीं आपने, जादू है बहू के हाथ में। अरे जादू के अलावा किसी अच्छे अल्फाज में भी तारीफ हो सकती है, ये जादू टादू के अल्फाज इस्तेमाल मत किया करो, मुझे ऐसा लगता है तुम मुझ पे तंज और तिश्ते के तीर चला रही हो फिर से। चलो शुक्र है हमारी प्लानिंग कामयाब रही। हाँ ना देखो दोनों प्यार से बात करती हुई कितनी अच्छी लग रही है। लग रही है कि इनकी ये जो प्यार मोहब्बत है ना ये जिंदगी भर यूं ही कायम रहे। साहिर है उनकी मोहब्बत कायम रहेगी तभी तो हमारी मोहब्बत का कुछ हो सकेगा। ये भी है। अच्छा मुझे ये बता तुम शादी के दिन किस कलर का ड्रेस पहनोगी? मैं पहनूंगी रेड कलर का लहंगा। नहीं नहीं रेड वाला नहीं, रेड बहुत आउटडेटेड हो गया, रेड नहीं पहनना। देखो बारात में ना रेड कलर का लहंगा ही अच्छा लगता है। खैर तुम बताओ तुम किस कलर की शेरवानी बनवाओगे? मैं शेरवानी तो ब्लैक ही अच्छी लगती है। अच्छा अपनी बारी में तुम अपनी चलाओगे, खैर ब्लैक कलर भी बहुत घिस चुका है। हाँ लेकिन अच्छी तो वही लगती है। अच्छा खैर ये बताओ हम हनीमून के लिए कहाँ जाएंगे? हनीमून के लिए हम लोग जाएंगे मरी। नहीं 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 मरी में तो बहुत रश होता है, हम जाएंगे सवात। सवात डन हो गया। गलती हो गई मुझसे, तुम जैसे घटिया रिश्तेदारों को मुझे कोरमे में जहर डालकर देना चाहिए था। देखा ना भाभी आपके नापाक अजाएं। ये क्या हो गया? लगता है इनके दरमियान जंग दोबारा से छिड़ गई। ऐसा नहीं हो सकता, अब चलो 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 चलो, चलो इनको रोके। मुझे पता था वो क्या कहते हैं वो किसकी दुम होती है, जिसको 100 साल नली में भी रखो ना तब भी दुम सीधी नहीं होती। रिफात अपनी औकात में रहना समझी, मुझे बिल्कुल इस जबान में और इस लुगत में बात करने की जरूरत नहीं है। अरे भाभी इज्जत दोगी तो इज्जत मिलेगी भी। अरे मैं तो तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए आई थी लेकिन तुम तो इस काबिल हो ही नहीं। अरे कौन सा दोस्ती का हाथ, पहले अपने अंदर जो ये बोझ और कीना है उसको तो बाहर निकाल कर आती।
ओहो, बुगज और कीना है ही क्या तुम्हारे पास कंगली, जो मैं दिल में बुगज और कीना रखूं? एक खाना तक तुम्हें ढंग से बनाना आता नहीं है। खाना क्या अच्छा बनाना आ गया, खुद को कुछ समझने लगी है आप? अरे हम कोई बावर्चियों के खानदान से नहीं है, नवाबों के खानदान से हैं। माशाल्लाह से नौकर 10 आगे पीछे घूमते हैं। हाँ, 10 नौकर आगे पीछे घूमते हैं। इंसान झूठ भी वो बोले जिसका यकीन आ जाए, टटपूंजी है नवाब। अम्मी हो क्या गया, अभी थोड़ी देर पहले तो सब कुछ ठीक था। अरे तुम्हारी चच्ची जान के होते हुए, जैसी जाहिल औरत के होते हुए कुछ ठीक नहीं रह सकता। बस कर दे भाभी, बच्चों के सामने मेरा मुंह ना खुलवाएं। अरे खाना क्या अच्छा पका लेती है, अपने आप कुछ समझने लग गई हैं आप। अम्मी अब बस भी करें ना, छोड़े। नहीं ये बस नहीं होगा, अब ये रोज रोज की लड़ाई का ना ये एक ही हल रह गया है। वो क्या? इस घर का बंटवारा, इस घर को बेचो, हमारा हिस्सा तो हम यहाँ से जाएं। हाँ हाँ ये बहुत अच्छा आइडिया है, ऐसा हो जाए ना तो मुझे भी रोज रोज तुम्हारी ये मनहूस शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। ये आप लोग क्या बातें करने बैठ गए प्लीज। अरे लेकिन ये घर तो दादा जान की निशानी है। अरे जब दादा ही नहीं रहे तो उनके घर की निशानी का क्या अचार डालना है? भाभी वो फाइल का है, वो फाइल निकलवाएं, कल इसी वक्त यहीं पे फैसला होगा। ठीक है, बस ये मसला अब हल हो ही जाए। मैं भी थक गई हूँ तुम्हारी मनहूस शक्ल रोज रोज देख देख के। कल इसी वक्त इसी मुकाम पर फैसला होगा, मैं फाइल लेकर आऊंगी, फिर बात करूंगी तुमसे। चलें चलें, आप गुस्सा नहीं करें। अरे मुझे क्या बता रहे हो, तुम चलो, क्या पत्थर के सनम बने खड़े हो? चलें, बड़ा रेस्क्यू कर रहा है, आ जाओ। देख लूंगी मैं भी। अम्मी आप बैठे ना प्लीज। छोड़ूंगी नहीं इनको मैं। बैठ जाए प्लीज। आप जो इग्नोर करें, आपका मूड ना अच्छा हो जाएगा। बताएं कौन सा गाना लगाऊं? चुप हो जाओ बिल्कुल। आप लोग अपनी लड़ाई के चक्कर ये घर बेच रहे हैं, कितने अफसोस की बात है। इसमें अफसोस की क्या बात है, घर बेचने के लिए ही होते हैं। अम्मी अगर दादा जिंदा होते ना तो उन्हें कितना अफसोस होता। तुम्हारे दादा अब्बू अगर जिंदा होते ना तो तुम्हारी चची जान की जहालत देखकर वो अब तक इंतकाल कर चुके होते। अरे अम्मी अब छोड़े मीना जाने दें, क्या जरूरत पड़ी आपको फाइल ढूंढने की? क्यों जरूरत नहीं है, मैं तो कहती हूँ फाइल में ढूंढ कर दम लूंगी। अच्छा है वो फाइल मिले, इस घर का बंटवारा और मेरी जान छूटे उससे। नजमा भाभी ने सारी जिंदगी सिर्फ अपना मफाद देखा है, सिर्फ अपना मफाद। वो अगर गलत कर रही है तो इसका मतलब है हम लोग भी गलत करें। हाँ बिल्कुल, जैसे को तैसा, हम किसी से कम है क्या? अरे कम ज्यादा की बात नहीं होती, अमीर रिश्तों में इंसान को थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है एक दूसरे को। बस वो मेरे घर में राशन नहीं डलवा दी मुन्ने, फाइल तो मैं ढूंढ के ही दम लूंगी। मिल गई वो फाइल। एक बार खोल के तो देख लें इसको, वही है मकान की फाइल है। हाँ हाँ मुझे पता है ये घर की फाइल है। अरे मैं कह रहा हूँ एक बार देख के तसल्ली कर लें। उफ़ो वही है। ये क्या लिखा है? क्या क्या हुआ? मैं शकील अहमद होशो हवास में ये वसीयत कर रहा हूँ, अगर इस घर का बंटवारा सिर्फ एक ही सूरत में मुमकिन है, मेरे दोनों पोता पोती ससद और शबनम की शादी करवा दी जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो ये मकान मेरे बच्चों में से किसी की मलकियत नहीं रहेगा, बल्कि इसे बेचकर सारी रकम किसी यतीम खाने को डोनेट कर दी जाएगी, और इस वसीयत की खिलाफ वर्जी करने पर मेरे बच्चों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्या बकवास है, उन्होंने कब लिख दी है वसीयत? अम्मी मुझे क्या पता, मुझे क्या कह रही है? ये नहीं हो सकता, ये होना भी नहीं चाहिए। तो फिर आप दोनों इस घर को भूल जाएं, क्योंकि ये घर सीधा सीधा ट्रस्ट के नाम हो जाएगा। लेकिन अब्बा जी ने ये वसीयत लिखी कब? अरे मुझे क्या पता, कभी ये फाइल निकालने की नौबत ही नहीं आई। अभी पर्चे निकाल कर देखे तो अब्बा जी का ये कारनामा निकला। मैं अपनी बेटी को आप जैसी औरत की बहू नहीं बना सकती। अरे मैं भी तुम्हारी बेटी को किसी सूरत अपनी बहू नहीं बनाऊंगी, वैसे भी बेटियां तो माँ पर ही जाती हैं। एक नंबर की फूहड़, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। भाई आप लोगों को जो भी फैसला करना है ना जल्दी से कर लें, क्योंकि अगर घर को बचाना है तो शादी तो करवानी पड़ेगी, अब चाहे किसी को अच्छा लगता है या बुरा। मुन्ने तुम्हारी बड़ी दिलचस्पी हो रही है इस शादी में। नहीं नहीं अम्मी मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, मैं तो सिर्फ घर बचाने के लिए शादी करना चाह रहा हूँ। हाँ तो कर लेते हैं ना शादी। मनहूस, अपने मुँह से अपनी ही शादी की बात करते, शर्म नहीं आती? डाउनलोड कर लेती शर्म, अम्मा ने तो चिखाई नहीं शर्म हो या। बुरी परवरिश का अंजाम,
मैं तो ये कहना चाह रही थी कि इस घर को बचाने के लिए हम सबको कोई ना कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। हाँ शबनम बिल्कुल ठीक कह रही है, आप दोनों को अपनी अपनी ईगो की कुर्बानी देनी पड़ेगी और हम दोनों को शादी करके कुर्बानी देनी पड़ेगी, और कोई रास्ता ही नहीं है। बात सुने, बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनली हमारी शादी हो गई। मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ, बल्कि बहुत से ज्यादा खुश हूँ, सबसे ज्यादा खुश हूँ। वैसे जो हालात चल रहे थे ना, मुझे नहीं लग रहा था कि हमारी शादी होना मुमकिन है। अरे हाँ, वो बकौल शायर क्या कहते हैं, हाँ मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, हाँ मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है। क्या होता है? वही होता है जो मंजूर है खुदा होता है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। भाभी प्लीज पुरानी बातें भूल जाएं, मेरी बच्ची का ख्याल रखिएगा। बात सुनो, उसे मैंने अपनी बहू बनाया है, वो भी मजबूरी में, गोद नहीं लिया कि उसका ख्याल रखूं। नन्नी आप शबनम की सास हैं, मैं कुछ कह ही नहीं सकती। अच्छा वो ये कुछ पैसे हैं आसद के तोहफे के लिए लाई थी, मैं उसे देना भूल गई। मुझे भी शबनम का मुंह दिखाई देनी थी, चाहे बहू पसंद की ना हो लेकिन भाई हम तो खानदानी लोग हैं, रस्में तो सारी पूरी करेंगे। तो फिर साथ चल के देखें। चलो। वैसे साथ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। कौन सी बात? दादा जान को हमारी शादी करवाने में इतनी दिलचस्पी क्यों थी? जब उनका इंतकाल हुआ था तब तो हम बहुत छोटे हुआ करते थे। क्या हुआ, तुम क्यों हंस रहे हो? बताओगे तुम? ये सब कुछ ना मेरे इस क्लेवर ब्रेन का प्लान था। क्या वाकई? हाँ ना, दादा जान ने कभी ऐसी कोई वसीयत की ही नहीं थी। वो लेटर तो मैंने खुद लिख के उस फाइल के अंदर रख दिया था ताकि अम्मी को बेवकूफ बना सकूं। असद चुप हो जाओ। अरे क्यों चुप हो जाऊं, तुम भी तो यही चाहती थी ना। देखो जब ये घर बेचने वाली बात हुई ना, फिर मैंने सोचा कि इस तरीके से किया जाए, क्योंकि हमारी अम्माओं की लड़ाई की वजह से हमारी शादी तो नहीं हो सकती थी, मगर ये करने से फाइनली हमारी शादी हो गई। असद तो ये तुम्हारा प्लान था। माँ की आंखों में धूल झोंकते हुए शर्म नहीं आई? मुन्ने मुन्ने अब तुम दोनों की खैर नहीं।